हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो सामने क्या छूती आपा हुआ है भाई। वो बंदा राइट पे चल के लास्ट मोमेंट पे इंडिकेटर दिया, तो भाई जो लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा था एंड ये कार भी उससे चिपक के चल रही थी, तो इसी कारण तीनों कार रुक गई। तो देखो भाई, वैगनर वाला भाई सीधा चला था ठीक ठाक स्पीड से एंड उसके पीछे क्लोजली टिगोर वाला एंड देन लेफ्ट से बलेनो वाले ने सोचा कि ओवरटेक करता हूँ बिकॉज लेफ्ट लेन खाली होगा, क्योंकि ठीक ठाक स्पीड से वो लोग चल रहे थे। लेकिन अचानक से उसने स्टॉप करके लेफ्ट इंडिकेटर दिया एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब रोड से थोड़ा आगे निकल गए एंड लेफ्ट मोड़ दिया एंड उसको दिख भी रहा है कि कार पीछे चल रही चिपक चिपक के। तो ये साइन भाई मूर्खता का है, आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें कभी। एंड एक्सीडेंट होते होते बच गया उसके साथ। तो भाई कभी पहली बात, मैं सॉरी वीडियो स्टार्ट करते ही इतना ज्ञान दे रहा हूँ, बट ऐसा आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है आपको। जिस तरफ आपको मोड़ना है पहले ही आप ध्यान रखें एंड पहले से इंडिकेटर दे दें इमीडिएटली, कभी ना लें। या फिर आगे चल के आप भले आगे से यू टर्न लेके आ जाएं, थोड़ा सा धीरे धीरे साइड लें, अपने आई आर वी एम को देखें एंड आर वी एम्स को देखें एंड उसके बाद ही आप इंडिकेटर देख के साइड लें। सो गाइज, आई एम ड्राइविंग दिस एक्सयूवी 700 EX5 7 सीटर डीजल 22 मैन्युफैक्चरिंग। सो गाइज, इसकी लाइट तो बहुत तगड़ी है, तो मैं ऐसे सोचा कि एक छोटा सा ड्राइविंग रिव्यू रात में कैसा है इसका बना लेते अपन। ये कार चल चुकी है 20,000 करीब एंड एक साल से ज़्यादा हो गए हैं इस कार को। एसी बंद है तो भाई पावर तो बहुत तगड़ा ही रहेगा। एसी में भी उसमें कोई दिक्कत नहीं बिकॉज 180 पीएस एंड 425 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है आपको। इसके लाइट्स काफ़ी अच्छी है, ये देख लो, आपको दिख रहा होगा भाई। जब से मैंने टाटा हेरियन टाटा सफारी देख ली है ना, तो मेरे को एक्सयूवी 700 का वो ये चीज़ मिसिंग लग रहा है भाई। इसको इल्यूमिनेटेड करो भाई जल्दी से, या तो मैं छोटी सी यहाँ पे सस्ती वाली एलईडी लेके लगा देता हूँ एम शेप में। ये तो है भाई, इसका टर्बो लैग बहुत कम है सफारी हैरियर के मामले में। मच्छर अंदर घुसा है। देखो मैं थोड़ा रश ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। मैं पूरा आई आर वी एम सेट करके रखा हूँ एंड ओ आर वी एम्स पे कंटिन्यू मेरी नज़र है। अब आप सोच रहे हो कैमरा नहीं घूम रहा है, मतलब मेरी मुंडी नहीं घूम रही, ऐसा नहीं है। जस्ट मेरी आई जो आई बॉल है उसको मैं घुमा के देख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेफली अच्छे से डिस्टेंस दूर रख के ड्राइव करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप लोग बिल्कुल ऐसे ड्राइव मत करना, उतना कुछ खतरनाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो लाइट अच्छी है, लेकिन बारिश में ये लाइट, ये देखो स्टेबिलिटी कार जैसे बॉडी रोल तो है, बट मच मच बेटर देन क्या बोलते हैं इसके राइवल्स, नॉट बेटर देन टाटा सफारी। मेरे को टाटा सफारी का ज़्यादा अच्छा लगता है, कई लोग को नहीं लगता होगा, बट लिटरली टाटा सफारी और इसमें थोड़ा सा 19-20 का अंदर लगता है। मेरे को सफारी ज़्यादा बेटर लगती है स्टेबिलिटी के मामले में, कॉर्नर स्टेबिलिटी के मामले में। एंड अब तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी आ गया टाटा सफारी में फाइनली। सर ना गियर कभी कभी अटकता है रिवर्स लगाते समय, बाकी तो नहीं अटकता भाई। गियर शिफ्टिंग अच्छी है, कोई आवाज भी नहीं आती, एकदम साइलेंट में भी सुनोगे तो भी। एक चीज आपने नोटिस की होगी टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर में, उसका जो अगर आप मैनुअल लेते हो, ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा, तो अगर आपसे क्लच थोड़ा जल्दी छूट जाए तो कार बंद हो जाती है एंड सेकंड गियर में उसको थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्लच के थ्रू पिक करना, बिकॉज वो बंद हो जाती है अगर आप सही टाइम पे क्लच को धीरे धीरे नहीं छोड़ते हो तो। बट इन दिस कार ऐसा कोई भी ऐसा कुछ केस नहीं है। लविंग भाई यहाँ पे जंप है हल्का सा, नो प्रॉब्लम। सस्पेंशन तगड़े हैं भाई, बट हाँ थोड़े बैड रोड्स में थोड़ी आवाज़ करते हैं इसके सस्पेंशन, वही बस थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो कुछ नहीं लगता मेरे को दिक्कत इसमें। आगे रोड खुदी हुई है, अपन यू टर्न ले लेते हैं, आगे ट्रैफिक पे क्यों जाना। मैंने पीछे देख लिया, बहुत दूर पे कार है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बाइक वाले तेजी से आ रहे थे, अपन धीरे से मुड़ेंगे, उसको जाने देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब लगाते हैं थोड़ा सा जूम मोड इसका। देखो भाई लाइट तो अच्छी है, बारिश में बस दिक्कत करती है लाइट। ये थर्ड गियर है ठीक है, 1500 RPM करीब, बस पैडल दबाया हूँ, ये पावर गियर शिफ्ट, तुरंत थ्रॉटल रिस्पॉन्स, अगेन गियर शिफ्ट, तुरंत थ्रॉटल रिस्पॉन्स, नो लैग एंड ये बूस्टर लैंप चालू हो गया 80 के बाद, एंड छठवा गियर लग गया। अब
हल्का जंप का जंप, झूले टाइप लगा, झूला झूल रहा हूँ जैसे। लाइट तो काफ़ी अच्छी है नो डाउट। EX5 वेरिएंट है, सोच रहे हो इसमें से शायद बूस्टर लैम्प बाद में हट गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर एंड सेकंड रिमोट की हटी थी बस इसमें से। तो वो तो इसमें मिली थी जब ये मॉडल हमने ली थी। अब सिंपल सा एक फंडा सीख लो कि जब भी आप हल्का भी लेफ्ट लेते हो ना, तो लेफ्ट वाले मिरर पे आपकी आंख जानी चाहिए। साले सब ऊपर में चलाते हैं भाई, ये पता है कि उधर से भी कार आ रही है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं, कुछ भी नहीं है, वन वे है, तो भाई समझना चाहिए ना भाई। मैं चला लूंगा तो फिर उनको भी दिक्कत होगी, वो भी मुझे गाली बकेंगे, मैं भी उनको बक रहा हूँ, क्या मतलब। बट कई बार ऐसा गुस्सा आता है ना भाई, अपन मेरे को भी नीचे मतलब अपर में ही रखता हूँ मैं, जब तक वो डिपर नहीं करते। ये बाप रे ओ भाई, अचानक से देखे, इसलिए अपर में चलना चाहिए, अंधेरे में अपर में चलना चाहिए। गाइस एक बार ऐसे हुआ था, हमारे पास टाटा सफारी स्टॉर्म थी, तो हुआ क्या कि हम चल रहे थे एंड वो नेशनल हाईवे था, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे था। स्टेट हाईवेज में आपने जनरली देखा होगा कि लाइट्स वगैरह नहीं रहती हैं, तो हमारी भैंस बैठी थी बीच रोड पे, तो अचानक से ना जब हमने अपर किया ऐसे 80 पे चली थी कार, वो आपको ये दिख रहा है, ये इतना दूर मतलब ऑलमोस्ट 50 मीटर्स होगा हमारी कार से, एंड 80 पे थे हम भाई। अचानक जैसे ही अपर किए, एंड टाटा सफारी स्टॉर्म की लाइट बहुत अच्छी होती थी भाई, आपको पता है हेलोजन आती थी, लेकिन बहुत तगड़ी उसकी रेंज होती थी। स्टॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2017-18 वाली जो हमारे पास थी। तो मैं ये बता दें कि जब हमने अचानक से लाइट चालू की, मतलब अपर में किया, तो भाई देखा कि भाई भैंस बैठी है, एंड अचानक से ब्रेक मारते मारते हमने ऐसे साइड लिया, क्योंकि आप भैंस से, गाय जैसी भी नहीं होती, गाय भी अब कितना जल्दी उठ जाएगी, लेकिन गाय में थोड़ा उठ जाती है, लेकिन भैंस कभी नहीं उठती। आप देखना, हॉर्न भी मार के देखना, कभी साइड नहीं हटती, वो थोड़ा सा ढीट रहती हैं, बहुत ज़्यादा ढीट रहती हैं एक्चुअली। तो ऐसे टाइम में आप अपर में बिल्कुल अप डाउन करते रहो, तो क्या आपको अंदाज़ा लगते रहना चाहिए कि आगे भाई कुछ है तो नहीं खतरनाक।